हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शहद टीवी, और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बार बार बना सकें। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों जो हम आज का हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही एहसास चैप्टर के ऊपर मेन टॉपिक होगा। हमारा जो टॉपिक है वो 8वां चैप्टर है फिजिक्स की क्लास से। मैंने ये पहले भी लिखे हुए है फिजिक्स नॉट 9th क्लास में, बेशक ये सही तरीके नहीं लिखा है क्योंकि मैंने ये अपने हाथ से ही कलर पेंट किया है, अपने हाथ से मोबाइल पर कलर पेंट किया, लेकिन ये सही नहीं लिखा हुआ है। मैं माजरा खा रहा हूँ कि बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन ये 9th क्लास के फिजिक्स का नोट हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बार बार बना सकें। जो हम इसका मेरा टॉपिक हुआ चैप्टर 8वां, को पहले भी मैं कई वीडियो में आपको कह चुका हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अगर इंसान जीना चाहता है तो सिर्फ दूसरों के लिए जीना चाहे। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर इंसान जीना चाहता है दूसरों के लिए जीना चाहे। अगर आपको कहीं भी कोई मसला हो रहा है, नाइन्थ नर्सरी से लेकर कहीं भी किसी सब्जेक्ट में अगर कोई सब्जेक्ट का मसला हो रहा है, तो आप बिला झिझक बिला तखीर बगैर टाइम कीजिए टाइम ज़ाय किए बगैर आप हमारे वीडियो के कमेंट में आप अपना मसला बता दें। इंशाल्लाह मैं फौरन ना तो मैं माजरत के साथ आपको ये कह सकता हूँ 2 से 3 घंटे में आपका प्रॉब्लम हल करके ही दूंगा। मुझे उम्मीद होगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर नहीं किया तो वो आप सब्सक्राइब करें और वीडियो लगे थे कभी मिलते हैं कंप्यूटर की तरफ। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ये चैप्टर नंबर 8 लिखा है, चैप्टर नंबर 8 वर्क है। वर्क के साथ ये तारीफ है, ये इंग्लिश मीडियम की है, मैंने नोट्स बनाए हैं। ये तारीफ है, आपको मैं जूम नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन जो आई एम पैड वही जूम करके दूंगा। ये तारीफ लिखी हुई है, वर्क की तारीफ लिखी हुई है, और ये इसकी वजह लिखी हुई है। इसके साथ ही ये मैथमेटिक फार्मूला है, w=f.s लिखो, लेकिन f.s ही होता है ये। फिर आपके विजात के लिए मैंने ये नोट्स भी लिखे हैं, ये फिर एग्जांपल हैं, ये यूनिट है इसकी, वार की यूनिट क्या है, यूनिट जोल है, और इसका जो इंटरनेशनल फार्मूला है वो न्यूटन मीटर पर सेकंड है। ये नोट लिखे हुए हैं, बहुत ही अहम होते हैं। ये एनर्जी की तारीफ है, ये ज़्यादा लिखी हुई एनर्जी की, ये एग्जाम्पलें हैं, ये कैनमेटिक्स कैनेटिक एनर्जी, कैनमेटिक्स नहीं कैनमेटिक कैनेटिक एनर्जी है ये। इसके तो तरीफे लिखे जो भी आप करें आपके लिए बहुत ही सुधम, ये इसकी मिसालें हैं, विजाद लिखी हुई है, ये फार्मूला लिखा हुआ है जो मैथमेटिक फार्मूला w=f×s ये आपको दिखाई दे रहे हैं। जो इसके फार्मूले लिखे हुए हैं आपको बेहतरीन आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये जो फार्मूले हैं ये बहुत ही लाजमी होते हैं हर पेपर में, ये शार्ट के लिहाज से या एमसीक्यू के लिहाज से ये आ सकते हैं। ये फिर तरीफ लिखी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ लिखी हुई है, डिफिनेशन आपका ये एग्जांपल लिखी हुई है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है, ये तारीफ है उसकी। फिर ये विजात बयान की, ये मिसाल है। फिर ये मैथमेटिक वाला फार्मूला है, ये मैथ वट एफ इजिकल w/t एंड एस इजिकल टू एच, ये है। फिर आपको वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मुख्तलिफ शिकाल हैं, मैथी मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये आपको फिर दिखाई दे रहे होंगे। केमिकल एनर्जी की तारीफ लिखी हुई है, ये इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी की, ये एनर्जी की अंडर एनर्जी की लिखी हुई है। ये फिर है इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखी हुई है, ये मिसालें हैं। ये लॉ ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी लिखी हुई है, ये नीड टू कंसीडर, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये एट पॉइंट आपका, ये आपका न्यूमेरिकल हल हुआ है, ये न्यूमेरिकल नहीं है बल्कि साबित कर दिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैनेटिक एनर्जी की तारीफ, ये फार्मूला साबित कर दिया। ये फिर पोटेंशियल एनर्जी की साबित कर दिया कानून, ये तारीफें, ये कानून वो ही क्या है, ये एट पॉइंट दिस ऑफ न्यूमेरिकल उल्लू है, ये पावर है, पावर की तारीफ है, ये पावर का फार्मूला लिखा हुआ है, ये इसकी यूनिट्स हैं। ये आपको देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9th है, मशीन सिंपल मशीन इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये कैंड्स ऑफ द सिंपल मोशन, मैकेनिकल टर्मिनल, ये आपको दिख रहे हैं लेवर है लीवर है, जिनमें कितनी मैकेनिकल हैं दिख रहे हैं आपको बखूबी से, ये कैंड्स ऑफ द लीवर है, फ्रिक्चर है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ लेवल्स है, मैकेनिकल एनर्जी है आपको बहुत, ये फार्मूले बहुत ही लाजमी होते हैं बेटा। ये नोट लिखा हुआ है जो इसका अहम है, ये पुली है, पुली कैंड्स ऑफ पुली है, इसके एग्जाम्स हैं। फिर ये वाइल एंड एक्सल हैं, इसकी तरीफ लिखी हुई है, ये मैकेनिकल एडवेंचर है, ये लिखे ये फार्मूले लिखे हुए हैं, इन फार्मूले को बहुत ही याद करना, ये बार बार मैं कह चुका हूँ इन फार्मूले को क्यों हाईलाइट करता हूँ ताकि बच्चे यहाँ भूल जाते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि बच्चे जो भी वीडियो देखे मेरी वो इस चीज़ को माइंड में बना ले कि ये बिल अहम होते हैं एमसीक्यूज़ में भी, और इसके साथ शॉर्ट में भी लाजमी आ सकते हैं।
फिर ये सवाल लिखा हुआ है मैकेनिकल एडवांटेज नाउट की तरीफ लिखी हुई है। फिर चैप्टर नंबर 10 है मैथमेटर सॉल्ट लिक्विड ग्रेस इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल फिजिक्स। थैंक यू, भी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए जाएँ और वीडियो को लेकर तक इस वीडियो हमारे के लिए बार बार बना सके। थैंक यू भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।